गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता एंड एज यू ऑल नो दैट कि वी आर लर्निंग अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो उसी का ही आज सेकेंड पार्ट है। वी हैव ऑलरेडी डन विद द फर्स्ट पार्ट। अगर आप अभी तक नहीं देख पाए हैं तो आई विल प्रोवाइड यू लिंक ऑफ फर्स्ट पार्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट विद दिस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेकेंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसमें हम इसका बेसिक इंट्रो, क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वो सारी चीज़ें हम देख चुके थे। ठीक है, अब आज जो हम पार्ट देखने वाले हैं उसमें वी कवरिंग लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसेंशियल कंडीशंस फॉर साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, सिग्निफिकेंस एंड द स्कोप। इस पार्ट को आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, नाउ द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, होता क्या है पहले उसे हम समझ लेते हैं। बात हो रही है इंडस्ट्रियल रिलेशन की। अगर हम इस बात को लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशन को ही टू पार्ट्स में डिवाइड करके देखें तो आप भी जान जाओगे कि इंडस्ट्रियल और रिलेशन, ये दो वर्ड से मिलकर ये बन रहा है। दैट मीन्स कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, ईच एंड एवरी वन कम्स अंडर द इंडस्ट्रियल एंड रिलेशन। उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, उनके बीच का वर्किंग को प्रोग्रेस बनाने के लिए जो रिलेशन क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। ठीक है, अब ये तो हमें पता है इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, वे ऑफ रूल्स होते हैं इसके, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डन विथ फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर आ जाता है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स कि क्यों इसे क्रिएट किया गया है ना। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप देखोगे द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ हेल्दी रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स। ये आपको पता ही है कि हम जो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं उसका जो मेन फंडा है वो यही होता है कि एक प्रॉपर रिलेशन, एक साउंड रिलेशन क्रिएट हो सके एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में। क्यों हो सके? जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या फिर हमारे जो बिजनेस चलना है, उस चलने को लेकर जो प्रोसेस हो रही है वो एक प्रॉपर तरीके से हो सके, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है एक साउंड रिलेशनशिप या एक हेल्दी रिलेशनशिप किसके बीच में, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में। क्लियर है? तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इसी के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन को इतनी ज्यादा वेटेज भी दी जा रही है। नेक्स्ट है आपका टू मिनिमाइज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आप भी जानते हैं कि डिस्प्यूट मतलब कोई भी मतभेद, लड़ाई झगड़े जो कि हो रहे हैं किसी के भी बीच में इंडस्ट्रीज में, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो किस पर पड़ेगा? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रेपुटेशन पर पड़ेगा, उसके प्रोडक्शंस पर पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो उसको हार्श ना हो इसलिए ये जरूरी है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जितने भी हैं उनको मिनिमाइज किया जाए। तो ये इसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव भी है कि विद दी हेल्प ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं एक प्रॉपर हार्मोनियस रिलेशंस क्रिएट कराना किसके बीच में, जितनी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए व्हाट वी रिक्वायर्ड दी सप्लायर्स, वी रिक्वायर्ड दी ट्रेड मास्टर्स है ना, वी रिक्वायर्ड दी एम्प्लॉयज जो कि आपके अलग अलग फील्ड के हैं, कोई सॉर्टिंग कर रहा है, कोई पैकेजिंग कर रहा है, तो हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड प्रोवाइड करने तक, उन सभी लोगों के बीच में एक साउंड रिलेशन क्रिएट करना या एक हार्मोनियस रिलेशन क्रिएट करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। अगर सीधी सी बात है, एम्प्लॉयज खुश हैं, प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो जाएगी बिकॉज उनका मोरल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वही डिस्प्यूट में लगे हुए हैं, लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, मुझे प्रॉपर वेज नहीं मिल रहा है, मुझे ये फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं हो रही है, इस तरह की चीज़ों में अगर लगे रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी को सही तरीके से बनाने के लिए अगर उनका आपस में एक प्रॉपर बॉन्डिंग क्रिएट होती है, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, एक तरह की एक बॉन्डिंग है, और अगर ये बॉन्डिंग उनके बीच में क्रिएटेड है, किसके बीच में, आपके मैनेजमेंट या फिर हम कह सकते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में, तो एक जो वर्कर है वो अपनी बात अपने मैनेजमेंट तक पहुंचा सकता है और जो मैनेजमेंट है वो अपनी बात वर्कर्स तक समझा सकते हैं, तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है, और यही मेन मोटो भी है। नेक्स्ट है आपका ये आता है कि विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं कि हम एक प्रॉपर पोजीशंस प्रोवाइड करवा सकते हैं जितने भी पार्टनर्स हैं या फिर जो भी हमारी मैनेजमेंट प्रोसेस है उसमें उनको हम एक प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एमबीओ प्रोसेस। एमबीओ में क्या होता है, हर लेवल के पर्सन जो रहते हैं वो किसी भी मैनेजमेंट डिसीजंस में इन्वॉल्व होते हैं। यही होता है इसमें,
तो ये कैसे क्यों होता है, जिससे कि एक साउंड रिलेशन क्रिएट हो सके दोनों पार्टीज के बीच में, चाहे वो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच की बात की जाए तो एक साउंड रिलेशन क्रिएट होना सके। तो वही यहाँ पर भी है कि वर्कर्स को विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस हम एक अच्छी पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं, हम उन्हें मैनेजमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व कराते हैं, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, उनको ऐसा ना लगे कि उनके साथ कोई धोखा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो ये इसके मेन एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसके अलावा विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस व्हाट वी कैन डू, वी लाइक टू प्रोवाइड द वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग, है ना, उनकी जो वर्किंग है उसके बेसिस पर हम गुड कंडीशंस प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी, जो आपको पता है कि मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है किसी स्ट्राइक्स और लॉकआउट से, तो इस कंडीशन को हम हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अच्छा रिलेशन होगा, दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो ये स्ट्राइक एंड लॉकआउट वाली कंडीशन आएगी ही नहीं, है ना। अब एक बात और ध्यान रखना, स्ट्राइक कौन करता है, वर्कर्स, ठीक है ना, पता है ना, ये स्ट्राइक कौन करेगा, वर्कर्स। लेकिन लॉकआउट कौन करता है, वर्कर्स, नो, लॉकआउट वर्कर्स नहीं करते हैं, लॉकआउट हमेशा कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। जब एम्प्लॉयर को लगता है कि कोई अननेसेसरी की डिमांड सामने आ रही है, तो उस केस में एम्प्लॉयर का ये हथियार होता है कि वो कुछ समय के लिए तालाबंदी यानी कि लॉकआउट कर देता है, जिससे कि, क्योंकि आपको पता है डेली वेजेस मिलता है, तो उनको उस दिन का वेजेस ना मिले और उन्हें इनकी बात समझ में आए। कहीं ना कहीं दोनों तरीकों से, चाहे वो स्ट्राइक है, लाइक हम कहते हैं कि स्ट्राइक किसका वेपन है, एम्प्लॉयज का वेपन है, तो लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर का वेपन है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ही सिचुएशंस में कंपनी को तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो उस लॉस से बचने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा कोई भी इंडस्ट्रीज, लाइक इंडस्ट्रियल जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या फिर उसके जो खतरनाक परिणाम होते हैं, उनसे बचाने के लिए या उनको अवॉइड करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस की इंपॉर्टेंस देखी गई है। तो दे आर दी बेसिक ऑब्जेक्टिव जो एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस के थ्रू हमें मिल सकते हैं, ठीक है। इम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के बीच में एक गुड रिलेशन, डिस्प्यूट को कम करना, कॉन्फ्लिक्ट को हटाना, हार्मोनियस रिलेशनशिप प्रोवाइड कराना पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस में, इसके अलावा प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कराना, लॉकआउट एंड स्ट्राइक की सिचुएशंस को हटाना, दे आर दी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। नाउ हियर द फ्यू कंडीशंस, यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस बताई गई है फॉर द साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या है, कि एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन क्रिएट हो सके उसके लिए क्या कंडीशंस है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है। तो पहली चीज़, एक स्ट्रॉन्ग, वेल ऑर्गेनाइज एंड डेमोक्रेटिक एम्प्लॉयज यूनियन, इसको रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आपके पास एक अच्छी यूनियन है, तो अच्छी यूनियन का मतलब होता है कि वो सारी चीज़ों को सही तरीके से समझ के काम करेगी, ऐसी यूनियन होना रिक्वायर्ड होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेड यूनियन हियर, हम यहाँ पर ट्रेड यूनियन की बात कर रहे हैं, जो किसका काम कर रही है, जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनके पक्ष में रखकर काम करती है, बट उसका काम ये होता है कि वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करवा सके, ठीक है। तो वो काम, उसको ये कंडीशन है इसकी, कि एक अच्छी यूनियन अगर होगी, है ना, एम्प्लॉयज की यूनियन होगी तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन भी अच्छा होगा। सेम एग्जिस्टेंस ऑफ साउंड एंड ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयर यूनियन, जैसे एम्प्लॉयज की कुछ यूनियन होती है, उसी तरह से एम्प्लॉयर को सपोर्ट करने के लिए भी एक एम्प्लॉयर्स यूनियन होती है, तो वो भी अच्छी कंडीशंस में हो। एक साउंड एम्प्लॉयर यूनियन अगर होती है, तो ऑटोमेटिकली एक साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन क्रिएट होगा। तो मतलब ये कि वेल ऑर्गेनाइज्ड, सही पर्सन को चूज करना इन यूनियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस जो बनाई गई हैं, वो ये सही तरीके से फॉलो करें, तो ये ऑटोमेटिकली एक गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस को क्रिएट करवा पाएंगे। इसके अलावा स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब चाह, अगर चाह होगा आपको कि यस वॉलेंटरी नेगोशिएशन के थ्रू या कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें, किसी ने अगर सोच ही रखा है कि हमें प्रॉब्लम खराब ही करना है, मतलब हमें रिलेशन बिगाड़ना ही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों के अंदर, चाहे वो आपके एम्प्लॉयर्स हो चाहे वो आपकी एम्प्लॉयज हो, इन दोनों पार्टीज के अंदर अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग की स्पिरिट है या फिर प्रॉपर नेगोशिएशन की स्पिरिट होगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। इसलिए यहाँ बोला गया कि चाह बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। आप अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं
उनको आप प्रॉपर उनका जो जॉब रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रॉपर तरीके से आप प्रोवाइड करवाइए. उनसे रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो साउंड कंडीशन में दीजिए. कोई कॉस्ट्यूम्स लेना है तो वो कॉस्ट्यूम्स दीजिए. ईच एंड एवरीथिंग अगर आप उन्हें सही तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे, उनका मोरल आप सही करवाएंगे, तो इंडस्ट्रियल पीस ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगी. ठीक है ना? तो वो यही चीज़ है कि अगर इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन है तो आपका साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा. तो दे आर दी बेसिक एसेंशियल कंडीशंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी होती है.